हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द फार्मा पाठशाला। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के यूनिट 4 से इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फिल्ट्रेशन। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन, इसकी थ्योरी, इसके ऑब्जेक्टिव और इसके प्रिंसिपल को भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन का बेसिक अगर हम डेफिनेशन की बात करें, फिल्ट्रेशन क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि फिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को छानना। तो यहाँ पे हमें किसको छानना है? हमें बेसिकली सॉलिड को लिक्विड से छानना है या सॉलिड को जो गैसेस फॉर्म है उसमें से हमें छानना है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या होगी फिल्ट्रेशन की? फिल्ट्रेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस बाय विच द सॉलिड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड और गैसेस यूजिंग अ फिल्टर और मेम्ब्रेन। सो फिल्ट्रेशन के अंदर हमें या तो गैसेस के अंदर से या लिक्विड के अंदर से हमें सॉलिड पार्टिकल्स को, चाहे वो इम्प्योरिटीज हो, चाहे वो हमारे लिए यूजफुल हो या वो अनवांटेड सॉलिड हो, उसे हमें रिमूव करना हो, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन। सो स्टूडेंट्स, कभी भी जब हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं तो वहां पे हमें एक ऐसे पार्ट की, एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी जिसकी हेल्प से हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस को करते हैं। सो दैट ऑब्जेक्ट और दैट पार्ट इज नोन एज फिल्टर, फिल्टर मीडिया और एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम लिया है जिसमें हमें बेसिक फिल्ट्रेशन प्रोसेस को समझा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने फनल ली है और हमारे पास एक बीकर है जिसमें स्लरी को हमें फिल्टर करना होता है। स्लरी का मतलब है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स अवेलेबल है लिक्विड के साथ, ठीक है। तो उसको हम इसमें हमने पोर कर दिया, डाल दिया है। यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स एक फिल्टर लगाया है। इस फिल्टर को, जिसकी हेल्प से फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, उसे हम बोलते हैं फिल्टर मीडिया। तो इस फिल्टर पेपर के ऊपर थोड़ी देर के बाद जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो रिटेन कर जाएंगे। इन सॉलिड पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे फिल्टर केक बोलते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नोन एज फिल्टर केक। तो फिल्टर केक कहाँ पे होगा? जो फिल्टर मीडिया है उसके ऊपर जो सॉलिड रेसिड्यूज या इम्प्योरिटीज या कंटामिनेशन कलेक्ट हो जाएंगे, दैट इज नोन एज फिल्टर केक। लास्ट में हम यहाँ से क्लियर लिक्विड जो हमारी वेसल है या बीकर है उसमें हमें मिल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट कहाँ होगा? हमेशा क्लियर लिक्विड होगा। फिल्टर केक कहाँ होगा? जो सॉलिड है, जो इम्प्योरिटीज है, जो फिल्टर मीडिया के ऊपर रिटेन करेगा, दैट इज नोन एज फिल्टर केक। नेक्स्ट इज फिल्टर केक। सो फिल्टर केक क्या होगा स्टूडेंट? जब हम किसी भी स्लरी को फिल्टर मीडिया के ऊपर पोर करते हैं तो जो भी हमारे सॉलिड रेसिड्यू हैं जो फिल्टर मीडिया के ऊपर बच जाते हैं उसको हम बोलते हैं फिल्टर केक। तो यहाँ पे फिल्टर केक क्या होगा? फिल्टर केक इज फॉर्म्ड बाय सब्सटेंस दैट आर रिटेन ऑन अ फिल्टर पेपर, सिंपल। नेक्स्ट फिल्ट्रेट। अब जो लिक्विड है वो पास हो जाएगा इस फिल्टर मीडिया से और कलेक्ट होगा बीकर में या किसी भी वेसल में, उस क्लियर लिक्विड को क्या बोलते हैं? हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन की गई दोनों की, फिल्टर केक और फिल्टर मीडिया की। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिल्ट्रेशन। सो फिल्ट्रेशन जो है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम लिक्विड एंड गैसेस इज द मेन गोल ऑफ फिल्ट्रेशन। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास लिक्विड है या गैसेस हैं उसमें से हमें जब सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करना होता है, सेपरेट करना होता है, तो उसका मेन गोल फिल्ट्रेशन का यही है। तो इसको भी हम सब पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास टू रिमूव कंटामिनेट पार्टिकल्स। अब हमारे पास कोई भी स्लरी है, कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें हमने देखा कि सॉलिड पार्टिकल्स की इम्प्योरिटी आ गई है, तो अब उसको किस टेक्निक के थ्रू रिमूव किया जाएगा? बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन टेक्निक वी कैन इजीली रिमूव द सॉलिड पार्टिकल्स और कंटामिनेंट्स फ्रॉम द लिक्विड्स। सो नेक्स्ट इज सॉल्वेंट एंड सॉलिड मस्ट बी हाई क्वालिटी। इट मींस कि जो भी हमारे पास फिल्ट्रेशन के बाद जो हमारे पास लिक्विड आएगा या गैसेस आएंगे या सॉलिड आएंगे वो मस्ट बी हाई क्वालिटी के होंगे। सिर्फ फिल्ट्रेशन करने का मतलब यही नहीं है स्टूडेंट्स कि जो इम्प्योरिटी है उसी को रिमूव करना है। मे बी जो सॉलिड हमारे पास आ रहा हो वो हमारे लिए यूजफुल हो, वो हमारी ड्रग हो, ठीक है। तो वो क्या होगी फिल्ट्रेशन के बाद? वो हाई क्वालिटी की होगी, मीन्स उसमें कंटामिनेट नहीं होंगे। सेम इसी तरीके से लिक्विड भी जो हमारे पास आ रहा है आफ्टर फिल्ट्रेशन प्रोसेस, वो कैसा होगा? हाई क्वालिटी का होगा, वो भी इम्प्योरिटी फ्री होगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकुलेट कैन बी रिमूव फ्रॉम द एयर टू एनेबल फार्मास्यूटिकली यूजफुल गैसेस टू बी प्योरिफाइड। मीन्स आपने देखा है कि हमारे फार्मास्यूटिकल
इंडस्ट्री में हमारे पास इनहेलर्स भी होते हैं या गैसेस डोजेस फॉर्म भी होती है जिनको क्या किया जाता है, इनहेल किया जाता है, खासकर अस्थमेटिक पेशेंट को आपने देखा होगा लेते हुए। तो वो कैसे होनी चाहिए, वो भी हाईली प्योरीफाई होनी चाहिए। सो बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन टेक्निक हम उसको भी प्योरीफाई कर सकते हैं, उसमें से भी हम क्या कर सकते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनको भी रिमूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इट इज यूज्ड टू स्टरलाइज पैलेटल थर्मोलेबल प्रोडक्ट, मींस जिन जो जैसे हमारे पास पैरेंटल डोजेस फॉर्म होती है उनको भी इसके थ्रू क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जा सकता है, खासकर उन डोजेस फॉर्म को जो थर्मोलेबाइल है, हीट सेंसिटिव है, उनको हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन टेक्निक हम उनको इजीली प्योरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम उनको बॉइल करके प्योरीफाई करेंगे तो वहां पे वो ड्रग खराब हो सकती है, तो इसलिए बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन टेक्निक हम उसको इजीली फिल्टर आउट कर सकते हैं। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। So the next point is application. So students, we have different types of application of filtration in our pharmaceutical industry or in other industries. So first, water purification. So basically students, जैसे कि हम देखते हैं कि water purification में खासकर हमारे pharmaceutical industry में different type के water use किए जाते हैं, जैसे water for injection या potable water. So in type के water को अगर हमें purification करना होता है तो हम फिल्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू या डिफरेंट टाइप के फिल्टर पेपर आते हैं लाइक वॉटमैन फिल्टर पेपर, हम उनके थ्रू उनको फिल्टर कर सकते हैं। अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी फिल्टर करना है तो वहां पे हम एक डिफरेंट टाइप का फिल्टर पेपर होता है जैसे कि वॉटमैन फिल्टर पेपर, जिसका पोर साइज माइक्रोन में होता है, म्यू में होता है, वहां पे हम उसको यूज करके उसे फिल्टर कर सकते हैं। सो बेसिकली इन वाटर प्यूरिफिकेशन में हमें वाटर फॉर इंजेक्शन या पोर्टेबल वाटर को फिल्टर करने के लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्टूडेंट डिफरेंट टाइप की हमारी डोजेस फॉर्म होती है, ड्रग्स होती है जिसमें सॉलिड लिक्विड होते हैं। सॉलिड डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए भी वाटर का यूज किया जाता है, या हमें सॉलिड को कई बार प्रेसिपिटेशन के थ्रू उसे फिल्टर करना होता है। तो इस तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे बल्क ड्रग या हमें जो एंटीबायोटिक्स होते हैं या हमारे एपीआई होते हैं या हमारे क्रिस्टल्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं, उनको हम इजीली फिल्टर आउट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर पेपर। नेक्स्ट वन इज केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जब केमिकल क्रिएशन करते हैं तो कई बार प्रेसिपिटेट्स भी बनते हैं, तो हम उन प्रेसिपिटेट्स को इजिली फिल्टर आउट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू। या केमिकल इंडस्ट्री में कई मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, इंप्योरिटीज आ सकती हैं, सॉलिड इंप्योरिटीज आ सकती हैं, कोरल इंप्योरिटीज आ सकती हैं, तो हम वहां पे बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम उसको इजिली फिल्टर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में जैसे कि हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं या बीवरेजेस हो सकते हैं या हमारे पास वीट्स हो सकते हैं, हम उनको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर पेपर। ठीक है, खासकर फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी या बियर प्रोडक्शन में भी क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है, जिससे कि हम जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में किया जाता है, कि खासकर जो हमारे सीवेज सिस्टम होते हैं जहाँ पे जो पूरा जो शहर होता है उसका जो सीवेज पॉइंट बनाया जाता है, वहाँ पे हम प्योरिफिकेशन टेक्निक का यूज करते हैं ताकि उस वाटर को वेस्ट होने से बचाया जा सके। तो वहाँ पे हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, डिफरेंट फिल्टर्स लगे होते हैं जिनका यूज करके हम सॉलिड को अलग करते हैं और इम्प्योरिटीज को अलग करने के बाद उस वाटर का यूज कर सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर और फॉर अदर रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन इज केन शुगर और बीट शुगर इंडस्ट्री। केन शुगर इंडस्ट्री में भी खासकर जैसे डेक्सट्रोज हो गया, पॉलीसेक्राइड्स हो गए, स्टार्स हो गए, इनको फिल्ट्रेशन करने के लिए, इनको सेपरेट आउट करने के लिए फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है। तो ओवरऑल फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज किया जा रहा है वाटर प्यूरिफिकेशन, फार्मास्यूटिकल, केमिकल एंड मेनी मोर एप्लीकेशंस। सो स्टूडेंट, दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ फिल्ट्रेशन एंड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसकी एप्लीकेशन और इसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दी फार्मा पाठशाला को, और तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।